नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिका हिंदी। तो दोस्तों, आज हम कोरल ड्रॉ में एनवलप टूल की मदद से हम किसी भी टाइपोग्राफी में शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से और इस तरह से। तो ये हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले हम एप्पल को ले लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जो एप्पल की शेप में है। मतलब हमें जिस भी शेप में टाइप को सेट करना है उसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक ड्रॉ किया है पेन टूल से, ये मैंने इस तरह से किया है, ये पेन टूल लिया है और मैंने उसको इस तरह से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये मैंने शेप एक ड्रॉ करके रख लिया है। और यहाँ पर जो हमें राइटिंग लेनी है, वो टेक्स्ट लेना है, वो टेक्स्ट भी मैंने इस तरह से टाइप करके रख लिया है। ठीक है, और इस टेक्स्ट में आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट है उसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट और राइट से इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से शेप में सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इफेक्ट में जाना होगा, यहाँ पर एनवलप ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल F7। ठीक है, अभी ये राइट साइड में मेनू आ गया है और हमें जो भी टेक्स्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना है। ये अगर अलग अलग लाइन है तो आपको ग्रुप करना है टेक्स्ट को पहले, और ग्रुप करेंगे उसके बाद में यहाँ से आपको जो राइट हैंड साइड में ये एक ऑप्शन दिख रहा है एनवलप टूल बार के अंदर, क्रिएट एनवलप फॉर्म, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही ये एरो आएगा तो हमें जिस शेप में इसे चेंज करना है उस शेप के ऊपर हमें इसे क्लिक कर देना है। तो देखिए, ये इस तरह से इसका जो भी हमारा राइटिंग है उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा और वो इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों, ये एप्पल के ऊपर हमने इस तरह से ये सेट कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें राइटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं बॉटल कैसे बनाते हैं। तो बॉटल में भी मैंने इसी तरह से पेन टूल की मदद से मैंने ये शेप बना रखा है। ये इसलिए बना रखा है ताकि अपना वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा ना हो और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने शेप टूल की मदद से इसे ये एक शेप बना रखा है। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट भी लेके रखा है, टेक्स्ट को सेट करके रखा हुआ है लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट से, इसे मैंने सेट करके रखा है। बस ये भी इसी तरह से सिंपल तरीका है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और इफेक्ट में जाइए और यहाँ से आप एनवलप टूल को लीजिए, और उसको लेने के बाद यहाँ से आप क्रिएट एनवलप फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और ये जो शेप बनाया रखा है उस पे ऊपर हमें एरो पर क्लिक करना है, एरो से क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो शेप टूल है वो उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, पूरा जो राइटिंग है हमारा ये बॉटल की तरफ सेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर आप इसे छोटा बड़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही बढ़िया तरीका, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था कोरल ड्रॉ में एनवलप टूल। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।